हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। प्याज की लगातार बढ़ रही कीमतों ने लोगों की आंखों से आंसू निकाल दिए हैं। प्याज के दाम 80 से 90 रुपए किलो तक पहुंच गए हैं। सब्जी विक्रेताओं का मानना है कि प्याज के दाम अभी और बढ़ सकते हैं। कुछ दिन तक स्थिर रहने के बाद प्याज की कीमतों में एक बार फिर उछाल देखने को मिला है। शहर की सब्जी मंडी में प्याज 80 से 90 रुपए किलो तक बिक रहा है। प्याज के दाम में आने वाले दिनों में और भी बढ़ोतरी होने की संभावना है। जी सर, बहुत दिक्कत हो रही है हमें, और जैसे कि प्याज ना डले सब्जी में तो सब्जी का टेस्ट खराब हो जाता है, सारा बजट खराब हो रहा है। फिर भी तो एक आधा तो डालना ही पड़ता है सर, ना ही डालने के बराबर ही हो रहा है। भी लेने जाते हैं, सब्जी वाला कहता है भी प्याज खाने छोड़ दो, भी इतनी महंगे हो गए हैं और सब्जी में ना ही डालो तो ठीक है। बिक्री पे इस पे तो महंगाई करके पहले तो एक एक कट्टा लग जाता था, अब ज्यादा 10 किलो की व्यवस्था आ गई है। महंगाई करके गरीब आदमी खा नहीं पाता, 20 रुपए की लेता था, 5 रुपए उसको एक प्याज क्या देगा गरीब आदमी के लिए, तो बहुत परेशानी आई। लोकल प्याज नहीं आ रहा बिल्कुल, प्याज लोकल है ही नहीं, बाहर से माल आ रहा है। ऐसा है जी, ये प्याज आ रही है नासिक से, महाराष्ट्र से, तो वहाँ से प्याज कम आ रही है, या तो वहाँ फसल खराब हो चुकी है, लोगों ने स्टॉकिश कर दिया व्यापारियों ने, वहाँ से प्याज कम आने की वजह से हमारे यहाँ रहने में प्याज तेज है। अपने यहाँ महंगा होने की वजह से लगातार कम है। हमारा तो यही निवेदन है सरकार से कि वहाँ से बाहर से प्याज महाराष्ट्र से नासिक से मंगाई जाए और थोड़ा सस्ता कराया जाए।